अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात। आप सब कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। और रमजान खत्म हो चुकी है और बहुत नॉनवेज खाया है माशाल्लाह हम सब ने। मैंने इनफैक्ट हमने काफी बनाया था, तो आज मैं बना रही हूँ सादी दाल और चावल, जीरे वाले चावल और भिंडी फ्राई। सो चलिए फटाफट मैं आपको रेसिपी बताती हूँ इन दोनों की। सबसे पहले तो यहाँ ना मैं तीन चार हरी मिर्चियों को है ना बारीक बारीक काट रही हूँ। अब आपने हरी मिर्चियां नहीं डालनी है, या कम या ज्यादा डालनी है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं लहसुन ली हूँ, 8-10 कली लहसुन की होगी ये तकरीबन मिलाकर, और इसे मैं बारीक काट लेती हूँ। वैसे मैं लहसुन बघार वाली जो दाल आती है सादी दाल, वो बना रही हूँ, तो लहसुन जाहिर सी बात है ज्यादा ही चाहेगा। अच्छा, इसमें भी लहसुन आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। तकरीबन ये 250 ग्राम भिंडी है, इसे मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया। इसे थोड़ा सा मैं पोंछ लेती हूँ रफली। थोड़ा सा ऊपर और नीचे से हल्का हल्का काट लीजिए, उसके बाद उसके 2 पीस कर दीजिए, और वो 2 पीस के बाद वो पूरी भिंडी के आप तकरीबन 8 पीस कर दीजिए। मतलब जो आप आधा आधा करोगे बीच में से, तो 1 के 4 पीस और 1 के 4 पीस, तो आपको 8 पीस मिल जाएंगे। इसी तरीके से सारी भिंडी को काट लीजिए। ये देखिए मैंने सारी भिंडी काट ली है। तो चलिए मेरा ये भिंडी कट चुकी है, और अब हम बनाते हैं दाल। दाल चढ़ानी पड़ेगी, तो चलिए मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने, मेरे साथ चलो। आधा कप तुअर की दाल कुकर के अंदर डालिए, ये अरहर की दाल भी कहते हैं इसे। 2-3 पानी से अच्छे से धो लीजिए, नितार लीजिए। उसके बाद साफ पीने का पानी 2.5 कप डाल दीजिए। 1/4 से आधा छोटे चाय के चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए, और कुकर को ढक्कन लगा के फास्ट आंच पर 2 सीटी खिला लीजिए। जब 2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच कर तकरीबन 10 मिनट तक उसे पकने दें। जब 10 मिनट हो जाती है तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। कुकर को मैं पीछे रख देती हूँ तो वो सीटी बजती रहेगी। यहाँ मैं चावलों का बघार कर रही हूँ, जीरे वाले चावल बना रही हूँ, क्योंकि साइड बाय साइड चावल भी पक जाएंगे। चलिए दाल का चूल्हा बंद कर दिया, चावल का चूल्हा भी बंद कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं चावल को अब मैं फिलहाल, मैं तो मेरी भाषा में फोड़ना कहती हूँ, इसे फोड़ रही हूँ और इसे ढककर अभी साइड पर रख देती हूँ। यहाँ दाल का चूल्हा मैं बंद तो पहले ही कर दी थी, अब इसे खोल लीजिए, और इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 कप से 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं, मैं 3/4 कप डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लीजिए, आप चाहें तो झेर भी सकते हैं, मैं कभी भी झेरती नहीं हूँ। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। चलिए कुकर को साइड पर रख दीजिए, और एक कढ़ाई ले लीजिए या पतीली जिसमें आप बघारना चाहते हो, उसमें डाल दीजिए 4 से 5 टेबलस्पून बड़े से भरकर असली घी डाल दीजिए। मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हो। उसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, और उसे थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए। ये देखिए हरी मिर्ची और लहसुन मैंने बारीक काट कर रखा है, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। अब जब तड़तड़ा जाए जीरा, तो लहसुन डाल दीजिए और हरी मिर्ची भी डाल दीजिए, और फास्ट आंच पर इसे तकरीबन 1/2 मिनट तक फ्राई कीजिए, या तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये हल्का सा कलर चेंज होना शुरू ना हो जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, साइड पर आपकी जो दाल है वो तैयार रखिए। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ ये दाल को। पूरी दाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। कुकर के अंदर हल्का सा पानी डाल दीजिए तकरीबन 1/4 कप जितना, और मिलाकर इसमें दाल में डाल दीजिए, क्योंकि जो भी नीचे लगा हुआ हो सारा, हमारी जो दाल चिपकी हुई है वो सारी मिल जाए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमेल डाल दीजिए, और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, और तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने नमक एडजस्ट किया है, आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। दाल को पीछे वाले चूल्हे पे स्लो रख रही हूँ, क्योंकि 3-4 मिनट वो पकेगी, तो साइड बाय साइड यहाँ पर मैं भिंडी का कर लेती हूँ। एक कढ़ाई के अंदर अच्छा खासा तेल डालिए, अच्छा ज़्यादा डालिएगा, और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो ये बारीक कटी हुई भिंडी डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। ये बैचेस के अंदर डालिएगा, सारी एक साथ मत डाल दीजिए।
जब आप फ्राई करेंगे उलट पलट करते जाएं, जब आप देखेंगे कि गोल्डन और क्रिस्पी होने लगेगी, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से, जब लाइट गोल्डन ब्राउन होगी तो निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ बैच फ्राई कर लीजिए। अच्छा, आप चाहे तो आँच जो है चूल्हे की मीडियम भी रख सकते हैं जैसे मैंने रखी हूँ, या आप चाहे तो फास्ट भी रख सकते हैं। चलिए ये सारे फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और साइड पर नितारने के लिए रखती हूँ। तो आपने देखा मैंने सारी चीज़ बना ली है, दाल भी हो चुकी है, दाल का चूल्हा बंद कर देती हूँ। भिंडी को बाउल में डाल दीजिए और ज़्यादा देर नितारने मत रखिएगा, उसी समय हल्का सा नितारिए और बाउल में डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए, मैं थोड़ी सी कोथमीर डाल रही हूँ, इसके साथ साथ डाल दीजिए 1/4 टीस्पून भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एडजस्ट कर लीजिए। मुझे हल्का सा चाट मसाला कम लग रहा है तो मैं 1/4 टीस्पून और डाल रही हूँ, और डालने के बाद मिक्स कर लीजिए, चख लीजिए। बढ़िया सा मज़ेदार सा हमारा चटपटी भिंडी मज़ेदार सी रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए जोहर की नमाज हो चुकी है और अब मैं गर्मा गर्म खाना परोस रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ दाल फिर से थोड़ी सी गर्म तो करनी पड़ेगी। दाल गर्म करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं प्याली में डाल रही हूँ और सारी दाल पूरी डाल देती हूँ। इसी तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें वहाँ टेबल पर रखती जाऊँगी। थोड़ा सा कोथमीर डालना तो बनता है, मैं काफ़ी चीज़ों में कोथमीर डालती रहती हूँ। चावल भी निकाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर और गर्मा गर्म इसे परोसती हूँ। बन गई मस्त मजेदार सी लहसुन वाली दाल, बढ़िया सी है, टेस्टी लगती है। आप जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाई है तो आपको कैसी लगी। और ये है चटपटी सी, आपने देखी है भिंडी, बहुत ही मस्त मज़ेदार सी ये भी लगती है, और जो दाल के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ मैंने चावल ये जो जीरे वाले हैं वो निकाले हैं और ये है सलाद, और हम गर्मा गर्म अभी खाएंगे। चलिए आप भी आए हमारे साथ खाने के लिए, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।